हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बलराम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग के बारे में। हम स्टेट कोटा छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, भैया कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, क्या रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन डेट, कब से आप कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिगिनिंग डेट, लास्ट डेट, सभी जानकारी इसमें देखने वाले हैं। क्या अदर स्टेट से छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी हम देखने वाले हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने वाले हैं और आप सीट भी देख सकते हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग का ये नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि BAMS, BHMS, BUMS, BNYS पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सूचना इसमें दी गई है, जो कि नोटिस आया हुआ था 29 जनवरी को। आप देख पा रहे हैं संचालनालय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी आयुष छत्तीसगढ़ रायपुर। तो इसमें हम देखने वाले हैं आयुष कोर्सेज का काउंसलिंग प्रक्रिया, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट देखें, आप देख पा रहे होंगे ये आपकी रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में आप पढ़ पा रहे हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं वे अभ्यर्थी दिनांक 30/1/2022 से 8/2/2022 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 30 जनवरी से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए हैं और 8 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कर सकते हैं। और आगे देखने वाले और रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक जानकारी के निम्नानुसार CG हेल्थ पोर्टल में आयुष विभाग की वेबसाइट एवं आयुर्वेदिक कॉलेज की वेबसाइट पर अवलोकन किया जा सकता है। तो अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, जो तीन आपको साइट दिख पा रही होंगी, तो ये आपके आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड साइट है, इस पर जानकारी आप ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से है और छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन अगर किसी जो भी बच्चा अप्लाई करता है अदर स्टेट में, वो जनरल कैटेगरी में मान्य होता है, तो अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं महाविद्यालय का नाम, राज्य कोटे, सीट संख्या, तो इसमें हम सीट संख्या की बात करें तो आप आयुर्वेदिक कॉलेज देख सकते हैं, होम्योपैथी, यूनानी, योग, तो यहाँ पे नेचुरोपैथी भी देख सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, जिसमें सीटों की संख्या है 63, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ये सभी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, तो इसमें 64 सीट्स हैं। राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चंदखुरी दुर्ग, तो इसमें 41 सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मनकी राज नांदगांव, तो इसमें 51 सीट्स हैं। भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुलगाव चौक दुर्ग, तो ये इसमें 85 सीट्स हैं। महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ग्राम सुंदरा राज नांदगांव, तो इसमें 51 सीट्स हैं। तो हमने आयुर्वेदिक की कॉलेज देखे, अब आप होम्योपैथी के कॉलेज देख सकते हैं, जो कि हैं CL चौक से मेमो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लाल खदान बिलासपुर, जो कि 85 सीट्स हैं। सेकंड है हमारा महाराणा प्रताप, सेकंड है रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय रामकुंड रायपुर, तो इसमें 43 सीट्स हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज न्यू राजेंद्र नगर रायपुर, इसमें 43 सीट्स हैं। और लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं 10th नंबर पे यूनानी का एक ही कॉलेज है, जिसमें है मोहसिनी मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैजनाथ पारा रायपुर, इसमें 34 सीट्स हैं। और लास्ट में नेचुरोपैथी, जो कि BNYS कोर्सेज के लिए होता है कॉलेज, श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय राधिका नगर सुपेला भिलाई दुर्ग, इसमें 50 सीट हैं। ये सभी जानकारी हमने देखी, आपने सीट देखी,
पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देखिए कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज इसमें इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब जानकारी आपको हेल्पफुल होगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।